हे दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी रिव्यू चैनल पर। रिव्यू करेंगे 2019 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक सलमान खान की फिल्म दबंग 3 का ट्रेलर, जो कि कल ही रिलीज किया गया है। तो ट्रेलर के साथ हम कुछ और बातों को भी जानेंगे जो कि शायद आप में से कुछ ही लोग जानते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दबंग 3 जिसका फैन 2013 से ही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म की अनाउंसमेंट 2013 में ही हो गई थी, लेकिन काफी ज्यादा अटकलें आने से में काफी देरी हुई और अब करीब 7 साल के बाद हमें दबंग का तीसरा पार्ट देखने को मिलेगा। जहां फिल्म के पहले पार्ट को अभिनव कसम ने डायरेक्ट किया था, वहीं फिल्म के दूसरे पार्ट को अरबाज खान ने डायरेक्ट किया और इस फिल्म यानी कि तीसरे पार्ट को प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया है। ये प्रभु देवा और सलमान खान की दूसरी फिल्म है। इससे पहले प्रभु देवा ने सलमान खान की जबरदस्त फिल्म वॉन्टेड को डायरेक्ट किया था, जिसमे प्रभु देवा का डायरेक्शन लाजवाब था। वैसे वांटेड ही क्यों, प्रभु देवा ने हिंदी में कई और फिल्मों को डायरेक्ट किया है, जैसे राउडी राठौर, सिंह इज बिलिंग, आर राजकुमार। उसके अलावा भी एक दो फिल्में हैं जो कि काफी अच्छी गई हैं। कास्टिंग की बात करें तो फिल्म में कई कलाकार हैं, लेकिन जो मैन है वो है सलमान खान, जो कि इस फिल्म में लीड एक्टर है। वही विलेन के रोल में कन्नड़ा सुपर स्टार किच्चा सुदीप जी है। वैसे काफी पहले ये सुनने में आया था कि इस फिल्म के लिए काजोल को नेगेटिव रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि इस फिल्म में सलमान खान के मुकाबले उनका रोल कमजोर था, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। वैसे ये बात दबंग 3 के स्क्रिप्ट के पहले की बात है। खैर, अब सलमान खान के बारे में तो बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप तो उन्हें जानते ही हैं। बात करें किच्चा सुदीप की तो वैसे उनकी कई फिल्में आई हैं जो कि हिंदी में डब्ड हैं, लेकिन बात करें बॉलीवुड की तो इससे पहले वो 2010 में आई पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म रक्तचरित में DCP के रोल में नजर आए थे। मतलब कि पूरे 9 साल के बाद वो किसी बॉलीवुड फिल्म में काम कर रहे हैं। बात करें दूसरे कलाकारों की तो सोनाक्षी सिन्हा पिछले दोनों फिल्मों में थी तो इस फिल्म में भी है। उसके अलावा एक नई कलाकार साई मांझी कर। अब अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये मशहूर एक्टर महेश मांजरेकर की बेटी हैं रियल में, नहीं तो आप कहीं फिल्म में समझ लो। तो इस फिल्म में जहां सलमान खान के अपोजिट सोनाक्षी सिन्हा हैं, वहीं साई मांजरेकर भी हैं, मतलब कि प्रेजेंट और पास्ट। अब प्रेजेंट तो हमें पता ही है कि सोनाक्षी की सलमान से शादी हो गई है, वहीं पास्ट को देखें तो साई हमें चुलबुल पांडे के लव इंटरेस्ट के रोल में दिख रही हैं, जहां सलमान खान काफी यंग लग रहे हैं। वैसे ये पास्ट वाले रोल को देख कर कौन कहेगा कि सलमान खान 53 साल के हैं, मतलब कि मेरे पापा से 3 साल बड़े हैं, सोचो। खैर, ट्रेलर के हिसाब से फिल्म की कहानी पास्ट और प्रेजेंट की है, जहां हमें ये पता चलेगा कि सलमान खान दबंग कैसे बनते हैं, क्योंकि ट्रेलर में एक डायलॉग है जहां सलमान खान कहते हैं कोई दबंग पैदा नहीं होता, उसके पीछे एक कहानी जरूर होती है। जिसके बाद हम साई और सलमान खान की लव स्टोरी देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर लव स्टोरी में एक विलन जरूर होता है, तो इस फिल्म में हमें किच्चा सुदीप जबरदस्त विलन के रोल में नजर आएंगे, क्योंकि ट्रेलर में तो ऐसा ही दिख रहा है। अब पास्ट और प्रेजेंट कि क्या कहानी है तो ये तो फिल्म में ही मालूम पड़ेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन है, क्योंकि ट्रेलर के हर सीन में बस एक्शन ही एक्शन है। वैसे अगर आपने ध्यान दिया हो, ये वाला सीन जहां सलमान खान शर्टलेस में फाइट कर रहे हैं, वहीं अगर किच्चा सुदीप को देखें तो वो भी शर्टलेस में है, मतलब कि दोनों अपनी बॉडी दिखाकर फाइट करने वाले हैं। तो यार, ये वाला फाइट सीन तो देखना ही पड़ेगा। उसके अलावा फिल्म में पेट दर्द करने वाले कॉमेडी सीन भी हैं। अब चुलबुल पांडे हैं तो कॉमेडी तो होगी ही, उसके अलावा एक गजब की स्टोरी, क्योंकि ट्रेलर से फिल्म का हिंट मिलता है, ना कि पूरी स्टोरी, जो कि काफी अच्छी बात है। ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने में काफी अच्छा लग रहा है और ट्रेलर का डायलॉग सीटियां मारने वाला डायलॉग है, खास करके वो डायलॉग नाराजगी वाला, वो काफी हटके है। अब ट्रेलर तो सुपर डुपर हिट है, लेकिन फिल्म कैसी होगी ये देखना पड़ेगा। लेकिन दबंग की सीरीज है और भाईजान की फिल्म है, तो जाहिर है कि फिल्म तो हटके होगी ही, बाकी तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपको फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा और साथ ही ट्रेलर में आपको क्या अच्छा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।